नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कश्मीर में ताजा हिंसा में 40 से ज्यादा लोग घायल। श्रीनगर समेत में फिर से लगा कर्फ्यू। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का सभी दलों को विश्वास में लेकर कदम उठाने का भरोसा। प्रशासनिक प्रमुख मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक से इनकार। केंद्र से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। 15 नवंबर को अंतिम सुनवाई। नाइन 11 हमले की पीड़ित हर्जाने के लिए सऊदी अरब पर कर सकते हैं केस। अमेरिकी संसद से विधेयक पारित। ओबामा की वीटो की चेतावनी। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर सख्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नए प्रतिबंधों के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति। बान की मून की उचित कार्रवाई की अपील। नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के फाइनल में। मुनफिल्स को सेमीफाइनल में हराया। दूसरे सेमीफाइनल में वावरिका निशिकोरी के बीच कांटे की टक्कर जारी। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को हुई हिंसा में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घाटी में हिंसा के बाद कई थाने क्षेत्रों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाकर हमला किया गया। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने घाटी में शांति बहाली और स्थिति सामान्य करने के लिए सभी दलों को विश्वास में लेने की बात कही है। कश्मीर घाटी में हिंसा के बाद शुक्रवार को श्रीनगर के 14 थाना क्षेत्रों के अलावा अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम समेत 10 शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही पूरी घाटी में लोगों के जमा होने पर पाबंदी भी लगा दी गई है, जो घाटी में जारी तनाव के 62वें दिन गुरुवार को पहली बार हटाई गई थी। इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में हालात जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई है। कश्मीर के हालात में इस समय इम्प्रूवमेंट है। पहले से हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं और मैं समझता हूं कि आगामी कुछ दिनों के अंदर ही कश्मीर के हालात पूरी तरह से नियंत्रण में होंगे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा बहुआयामी है और इसके हल के लिए कई स्तरों पर लगातार गंभीर प्रयास की जरूरत है। वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घाटी के युवाओं से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की है। और वास्तविकता यह है कि कश्मीर घाटी का युवा भी उस विकास की जो यात्रा है उसका हिस्सेदार, उसका भागीदार बनना चाह रहा है, परंतु किन्हीं कारणों से वो पूरी तरह नहीं आ पा रहा। उसमें हमने मनोबल पैदा करना है, उसको जागरूकता देनी है, ताकि जो जो भारत विश्व मूर्ति बढ़ने की ओर अग्रसर होता है, कश्मीर का युवा भी उसका एक असेंशियल हिस्सा बनकर के आगे चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मसले के समाधान के लिए भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर जोर दिया है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने घाटी, खासकर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। पीटीआई के मुताबिक वो कश्मीर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में सैन्य प्रतिष्ठान दी गए। उन्होंने घुसपैठ रोकने वाले ग्रिड की तैयारी की समीक्षा के लिए कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों का दौरा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान की इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि भारत के खिलाफ हमले सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं। भारत ने साफ कहा कि सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए कहा है। पठानकोट आतंकी हमला और कश्मीर की हालिया घटनाओं के बाद भारत ने पाकिस्तान को नए सिरे से कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की अवधारणा सही नहीं है और इसका सहारा लेकर कोई देश जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। There is a connect between state actor and non-state actor, which is why we use the word it's sponsored. The state cannot escape responsibility by saying it's non-state. You know, after all, and this is just not vis-a-vis India. I mean, this was the situation even after 9/11. After 9/11, countries were told that you can't protect people and say, well, you know, this is not the government doing it.
अमेरिका ने भी पाकिस्तान से आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अन्य देशों के लिए खतरा बने आतंकी समूहों और उनके पनाहगाहों को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। We're urging the government of Pakistan to take concerted action against safe havens and terrorist groups that threaten other countries in the region. And we've been very clear about that. And we have seen them attempt to address it. We want to see more action taken, but, you know, it continues to be a topic of conversation with them. ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब भारत ने पड़ोसी देश से आतंकवाद के निर्यात के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री आतंकवाद को उकसावा देने वाले देश को अलग थलग कर और पाबंदी लगाने की मांग कर चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कावेरी जल विवाद में प्रधानमंत्री से दखल की अपील की है। वहीं तमिलनाडु को पानी जारी करने के विरोध में शुक्रवार को कर्नाटक बंद रहा, जिसका कावेरी क्षेत्र समेत राज्य भर में खासा असर दिखाई दिया। दुकानों में ताले, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बाजार बंद और विरोध प्रदर्शन, कन्नड़ समर्थक संगठनों के कर्नाटक बंद का खासा असर दिखा। बंद को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, बैंक और निजी कंपनियों के ऑफिस नहीं खुले। सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही। मेट्रो, ऑटो, बसों और टैक्सियों के नहीं चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्नाटक के लोग तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने का विरोध कर रहे हैं। फार्मर को प्रॉब्लम हो रहा है, इस दिशा में हम लोगों ने लास्ट 40-60 ईयर से इधर प्रोटेस्ट करते आ रहे। जो इधर कर्नाटक की सरकार है, जब भी देखा गया तो कर्नाटक फार्मर को जब भी अन्याय करते आ रहे, इस तरीके से हम लोगों ने आज पूरा दिन कर्नाटक बंद कर रहे। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दखल की मांग की है। उन्होंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की अपील की है। सिद्धारमैया का कहना है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। उन्होंने कावेरी क्षेत्र में फसलों की सिंचाई और पीने का पानी मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। And also we are assuring drinking water to Bangalore city, Mandya, Mysore and other villages which are coming in Kaveri basin. विपक्षी दलों JDS और BJP ने भी बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य इस मामले में सभी दलों को साथ लेकर चल रही है। The chief minister has been consistently taking the opposition parties on board and it was All opposition parties had said, let us leave this decision to our legal team headed by Mr. Nariman. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने मंगलवार रात से तमिलनाडु को पानी देना शुरू कर दिया है। अदालत ने अगले 10 दिनों तक 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद से इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने को लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी कार्यवाही में अवरुद्ध हुआ। विपक्षी विधायकों ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। विधायी मामलों के मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर एक बयान देगी और इसके बाद बहस कराई जा सकती है, पर विपक्ष ने बहस कराने पर जोर दिया। इसके बाद सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। YSR कांग्रेस के विधायक अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए और रोकने की कोशिश कर रहे मार्शलों से धक्का मुक्की की। इस बीच दिल्ली में कल आंध्र प्रदेश BJP के प्रतिनिधिमंडल ने अरुण जेटली से मुलाकात की और राज्य को विशेष पैकेज देने पर चर्चा की। नाउ आई एम आस्किंग अदर इश्यूज आल्सो, डेफिसिट फाइनेंस, न्यू कैपिटल असिस्टेंस एंड आल्सो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग्स विद अ टाइम बाउंड प्रोग्राम एंड बैकअप विद अ लीगल फ्रेमवर्क। उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा का आज पांचवा दिन है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जौनपुर और आजमगढ़ के किसानों से मिलेंगे। इससे पहले कल उन्होंने अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। फैजाबाद में किए रोड शो में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को लेकर अपने आरोपों का सिलसिला जारी रखा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर से की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर के महंत ज्ञानदास से मुलाकात भी की। हालांकि दोनों के बीच राम मंदिर के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। महंत ज्ञानदास ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को आशीर्वाद दिया। संतों का कोई परंपरा नहीं होती, कोई जात नहीं होती, हमने कहा मानवता ही एक हमारी जो है परंपरा है, मानवता ही धर्म है, बाकी पूजा पद्धति अलग अलग है। इस नाते वो आए और उनको आशीर्वाद दिया गया, उनका कल्याण होगा। पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी फैजाबाद पहुंचे और रोड शो किया। यहां भी उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। नरेगा चलाने में तकरीबन 35,000 करोड़ साल के लगते थे। नरेगा से लाखों लोगों का फायदा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल का नरेगा का पैसा कर्जा माफ किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष की अयोध्या और फैजाबाद यात्रा को बीजेपी ने राजनीतिक दिखावा करार दिया है। जमीन अपने पैर के नीचे से फिसलती हुई दिखाई देती है, तब हर एक को भगवान आती है। पूरी तरह उनकी जो राजनीतिक का जो दौरा है, एक बहुत बड़ी एक फेल्यूर के रूप में साबित हुआ है, एक मजाक के रूप में लोग इसको देख रहे हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद टूटने के बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य का ये पहला अयोध्या दौरा है। 26 साल पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने सद्भावना यात्रा के दौरान अयोध्या गए थे, लेकिन वक्त की कमी के चलते वो मंदिर नहीं जा सके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी की तरफ से दायर 7 अपीलों पर केंद्र से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इन अपीलों में आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल की तरफ से दिल्ली सरकार के पुराने फैसलों और करीब 400 फाइलों को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसे न्यायपालिका पर पूरा यकीन है और मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सचिव प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को कार्यभार से मुक्त करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कल सदन में कहा कि उपराज्यपाल विधानसभा के कामकाज के अधिकार क्षेत्र में दखल ना दें। बाद में विधानसभा से प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा की सचिव पद पर बनाए रखने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद स्पीकर ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इधर आकाशवाणी के महानिदेशक ने प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को नोटिस जारी करके तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट करने को कहा है। साथ ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर लेख के बारे में भी जवाब तलब किया है। दरअसल प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा का विधानसभा सचिव के तौर पर कार्यकाल 16 जुलाई 2016 को खत्म हो चुका है। उपराज्यपाल ने उन्हें 29 अगस्त को आदेश जारी करके सचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया था। टकराव मैंने भी खड़ा किया है, टकराव एलजी साहब ने खड़ा किया। किसी को हटाना था, बात करनी थी, इससे पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, सलाह करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका, लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने का तरीका है। अलग से रेल बजट पेश करने की 92 साल पुरानी परंपरा जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है। समिति ने आम बजट के साथ इसे मिलाए जाने के तौर तरीकों के बारे में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेल बजट को आम बजट से मिलाने के बारे में रिपोर्ट 31 अगस्त को दी जानी थी, लेकिन कुछ वजहों से इसमें देरी हुई और इसे 8 सितंबर को वित्त मंत्रालय को सौंपा गया। सरकार ने बजट को मिलाए जाने के तौर तरीके तैयार करने को लेकर वित्त और रेल मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। ऐसा माना जा रहा है कि समिति ने सिफारिश की है कि अगले वित्त वर्ष के लिए आम बजट में रेल बजट के लिए संलग्न होना चाहिए जिसमें अनुदान, व्यय और नई परियोजनाओं का जिक्र हो। रेलवे पहले ही विलय को क्योंकि मंजूरी दे चुका है, अब इस बारे में वित्त मंत्रालय को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को विवादास्पद अध्यादेश के तहत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन लेने वाले छात्रों को परेशान नहीं करने का निर्देश दिया है।
अध्यादेश के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा कि मामले को पहले 3 जजों की पीठ को भेजा जाएगा और अगर जरूरत हुई तो इसे 5 जजों की बड़ी पीठ को भी भेजा जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान आरक्षण नीति लागू करने पर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने अध्यादेश को लागू करने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। एक आवाज जिसमें निहित है भक्ति भाव, लाख करे चतुराए, जिनके नजदीक संगीत को सरहद में नहीं बांटा जा सकता। पूरी दुनिया के अंदर संगीत की भाषा एक है, संगीतकारों को बांध के रखना चाहिए। जब वो दो गाएंगे, हम सा गाएंगे, तो सुर जो है वो एक ही निकलेगा। जो हमारी आत्मा की जो संगीत है, हमारा स्वर है, वो एक ही निकलेगा। मिली शख्सियत में मशहूर और मारूफ गायक पंडित विश्वनाथ जी से शनिवार रात 10:30 और रविवार शाम 4:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ने कहा है कि आर्थिक विकास और निवेश के लिए कानून का शासन जरूरी है। ये बात उन्होंने कल पटना में बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में कही। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 90वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि कानून का शासन आर्थिक विकास और निवेश के लिए बेहद जरूरी है। बिजनेस इज कंडक्टेड बेस्ट अंडर कंडीशंस ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज द रूल ऑफ लॉ। उपराष्ट्रपति ने बिहार में कारोबार के अनुकूल बन रहे माहौल की तारीफ की। उन्होंने पूर्वी राज्यों के विकास में बिहार की अहम भूमिका का जिक्र किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति से कारोबार और निवेश बढ़ेगा। पहले की तुलना में उद्योग और व्यवसाय जगत में लोगों ने एक्सपेंड अपने को किया है, अभी और ज्यादा संभावना है। तो कृपा करके जरा अपना मुट्ठी खोलिए और कुछ पूंजी लगाइए, बिहार में भी लगाइए, बिहार के बाहर तो लगाते ही रहते हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल के छात्रों से मुलाकात की और छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई। एजुकेशन सिस्टम मींस व्हाट? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ हैव टू बी डेडिकेटेड। आई थिंक देयर इज समथिंग लैकिंग। We have diluted standards. That's what I want to say. That if there is commitment, the student should be a student. 2 दिन के बिहार दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों से मुखातिब हुए थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक खंडहरों को भी वो देखने गए। प्रणव गोस्वामी, टीवी, पटना। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में करीब 36% से ज्यादा छात्रों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो पिछले साल की तुलना में 7% कम है। पिछले साल करीब 43.3% छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज में सर्वाधिक मतदान हुआ, जो 91% दर्ज किया गया। सबसे कम मतदान कैंपस लॉ सेंटर में 6.79% हुआ। चुनाव में एबीवीपी, आयसा और एनएसयूआई के 17 उम्मीदवारों में से छात्र संघ प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। डूसू चुनाव में पहली बार नोटा का इस्तेमाल हुआ है।
मतदान के दौरान सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में रिकॉर्ड 59% मतदान हुआ। ये पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में पिछले साल 53.3% मतदान हुआ था। अवाम के गढ़ में प्रमुख 4 पदों के लिए कुल 18 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार मुख्य मुकाबला वाम गठबंधन आयसा एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में है। विद्यालय परिसर में इस साल सामने आए विवादों के मद्देनजर चुनाव को दिलचस्प माना जा रहा है। चुनाव के नतीजों का ऐलान कल यानी 11 सितंबर को किया जाएगा। बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के बकायेदार और भारत से फरार चल रही शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारत आने की इच्छा जताई है। माल्या के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में बताया कि वो समन का जवाब देने के लिए देश लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट निलंबित होने की वजह से वो लौट नहीं पा रहे हैं। माल्या के खिलाफ साल 2000 में विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने के मामले की सुनवाई चल रही है। विजय माल्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके मार्च में लंदन चले गए थे, जिसे सरकार ने अप्रैल में रद्द कर दिया था। पिछले हफ्ते मुंबई की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। मुंबई नगर पालिका ने रिश्वत के मामले में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से घूस मांगने वाले अधिकारी का नाम पूछा है। इसके लिए कपिल शर्मा को बीएमसी की तरफ से नोटिस भी भेजा गया। बीएमसी अधिकारियों ने नोटिस की कॉपी कपिल के दफ्तर के बाहर भी चिपका दी है। इस मामले में बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि कपिल शर्मा जिस जगह पर अपना दफ्तर बना रहे हैं वो रिहायशी इलाका है और उस जगह पर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कोई निर्माण नहीं हो सकता। बीएमसी ने इस बारे में कपिल शर्मा को जुलाई में नोटिस भी भेजा था। इसके बाद अगस्त में अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई भी की गई। कपिल शर्मा ने सुबह बीएमसी अधिकारी पर 5 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। अब देश का कोई भी नागरिक पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी सफल व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव कर सकता है। सरकार ने नामांकन प्रक्रिया को जनता के लिए खोल दिया है। लोग पद्म अवार्ड की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इस फैसले का मकसद पुरस्कार प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। लोग किसी के नाम का ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं, लेकिन नामांकन करने वाले व्यक्ति को प्रामाणिकता और जवाबदेही के लिए अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत सरकार को अब तक 1700 से ज़्यादा नामांकन मिल चुके हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद कई ऐसे लोगों को भी पहचान मिलेगी जो किन्हीं कारणों से गुमनाम और कम लोकप्रिय रह जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के अब तक के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण की कड़े शब्दों में निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का खुलेआम उल्लंघन बताया है। शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उत्तर कोरिया के खिलाफ उचित कार्रवाई जरूरी है। इस बीच भारत, अमेरिका और चीन समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस परीक्षण की निंदा की है। अमेरिका और जापान के अनुरोध पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने समेत तमाम विकल्पों पर विचार किया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। I condemn in the strongest possible terms the underground nuclear test by the Democratic People's Republic of Korea. This is yet another brazen breach of the resolutions of the Security Council. चीन, जापान और ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने इस परीक्षण की निंदा की है। दक्षिण कोरिया ने हालात पर चर्चा के लिए आपात सुरक्षा बैठक की। इधर भारत ने कहा है कि उत्तर कोरिया को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इलाके की शांति और स्थिरता पर बुरा असर पड़े, जबकि अमेरिका ने दोहराया है कि वो उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। We've been consistently clear that we will not accept North Korea as a nuclear state, nor will we accept North Korea's possession of nuclear weapons. The president, in his statement, detailed also our commitment to work with our international partners on those lines, and also reiterated our support to allies and partners in the region on their defense. उत्तर कोरिया ने 1985 में परमाणु अप्रसार संधि को मंजूर किया था, लेकिन 2003 में
उसने इस समझौते से अलग होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 2006 में उत्तर कोरिया ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया। तब से वो 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर कई बार आर्थिक, व्यापारिक और सैन्य प्रतिबंध लगा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट पास कर दिया है। इसके बाद 9/11 हमले के परिवारों को सऊदी अरब के खिलाफ हर्जाना मांगने के लिए मुकदमा करने का अधिकार मिल गया है। 9/11 के कई हमलावरों पर सऊदी सरकार के साथ रिश्तों का आरोप है। अमेरिकी सीनेट मई में ही इस बिल को पास कर चुकी है। हालांकि व्हाइट हाउस इस बिल के खिलाफ है और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसके खिलाफ पहले ही वीटो करने की चेतावनी दी है। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि इस कानून के लागू होने पर वो अमेरिकी बाजार और सरकारी फंड से अपने $75,000 करोड़ निकाल लेगा। Like any other issue, we should let a jury decide the damages, what they should be, whether there should be any at all. The legislation gives the victims' families access to the courts, to the rule of law. And we as a people should be more concerned about these victims of terror than we are about diplomatic niceties with other countries. रूस और अमेरिका के बीच सीरिया में शांति बहाली के लिए समझौता हो गया है। शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच जिनेवा में बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। समझौते के मुताबिक दोनों देश 12 सितंबर से सीरिया में राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम लागू करने पर राजी हो गए हैं। इसके तहत रूसी और सीरिया सेना घेराबंदी वाले इलाकों में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए रास्ता मुहैया कराएगी। साथ ही दोनों देश इस्लामिक स्टेट और नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी देशों के खिलाफ साझा कार्रवाई करेंगे। दोनों देशों ने सीरिया सरकार और विद्रोहियों समेत संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से संघर्ष विराम का पालन करने की अपील की है। Call on every Syrian stakeholder to support the plan that the United States and Russia have reached, to back its implementation in good faith, and to continue the hard work of bringing this catastrophic conflict to the quickest possible end through a political process. Rio Paralympic Games mein aaj Bharat ne shandar pradarshan karte hue do padkon par kabza kiya. एम थंगावेलू ने ऊंची कूद में इतिहास रचते हुए स्वर्ण हासिल किया है। वहीं इस प्रतिस्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत के ही वरुण सिंह भाटी को मिला है। और बात करते हैं अब साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की। दुनिया के नंबर एक पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अपने 13वें ग्रैंड स्लैम खिताब से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जोकोविच यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने एक तरफा सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस के गोएल मोनफिल्स को आसानी से हरा दिया। जोकोविच ने मुकाबला 6-3, 6-2, 3-6, 6-2 से जीत लिया। जोकोविच 7वीं बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। अब फाइनल में उनका मुकाबला स्टैन वावरिका और निशिकोरी के बीच चल रहे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। और अब आखिर में हेडलाइंस। कश्मीर में ताजा हिंसा में 40 से ज्यादा लोग घायल। श्रीनगर समेत 10 शहरों में फिर से लगा कर्फ्यू। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का सभी दलों को विश्वास में लेकर कदम उठाने का भरोसा। प्रशासनिक प्रमुख मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक से इनकार। केंद्र से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। 15 नवम्बर को अंतिम सुनवाई। नाइन इलेवन हमले के पीड़ित हर जाने के लिए सऊदी अरब पर कर सकते हैं केस। अमेरिकी संसद से विधेयक पारित। ओबामा की वीटो की चेतावनी। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर सख्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नए प्रतिबंधों के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति। बान की मून की उचित कार्रवाई की अपील। रियो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन। ऊंची कूद में 2 पदक। एम थंगावेलू को स्वर्ण और वरुण भाटी को कांस्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश अंतर। नमस्कार।